प्रांगण महुदा में डेकोरेटर एसोसिएशन महुदा शाखा द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। वार्ता में मजदूरों द्वारा गलत मांग एवं राजनीतिक दल के हस्तक्षेप पर बिना सोच विचार कर एक पक्ष की बात सुनकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए गलत बयानबाजी कर व्यवसाय नहीं करने देने की धमकी देने वाले शब्द का प्रयोग किया गया है एवं टेंट मिस्त्री ग्रुप द्वारा गलत तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि काम का रेट कम दिया जाता है, जबकि सच यह है कि टेंट मिस्त्री ग्रुप हमेशा से वर्ग फीट के हिसाब से ठेका पर काम कराते हैं और हमेशा समय दर समय उनका बढ़ोतरी किया जाता है, परंतु टेंट मिस्त्री ग्रुप टेंट दुकानदारों को एक दूसरे का हवाला देते हुए हमेशा ब्लैकमेल कर रेट में वृद्धि करने पर दबाव बनाते हैं एवं उनके बातों को नहीं मानने पर काम छोड़ देते हैं या छोड़ने की धमकी देते हैं। काम पर इन लोगों के द्वारा कई बार अनियमितता देखी गई है। मिस्त्री ग्रुप कार्यस्थल पर नशे का सेवन कर दिया जाता है, लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं। डेकोरेटर एसोसिएशन के द्वारा इस वर्ष 1.5 रुपए स्क्वायर फीट से 1.70 रुपए बढ़ोतरी लिस्ट देते हुए संघ को यह जानकारी दिया गया कि 30 अगस्त 2021 से एक काम एक रेट एवं काम सही से करना, बिना नशा किए कार्यस्थल पर जाना, सामानों की सही सुरक्षा करना इत्यादि कुल 16 नियम वाली लिस्ट देकर मजदूरों को काम करने को कहा गया है, जिस पर मजदूर संघ ने इन सब नियमों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि जैसे काम करते हैं वैसे ही करेंगे, अन्यथा काम नहीं करेंगे। आप डेकोरेटर वाले जिसे हो सके काम करवा ले। इस पर एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि अगर महोदय क्षेत्र के टेंट मिस्त्री काम नहीं करेंगे तो बाहर से मिस्त्री बुलाकर काम करवाया जाएगा, क्योंकि टेंट व्यवसाय आवश्यक सेवा की श्रेणी में आता है, जो कि शादी, छठियारी, पूजा महोत्सव, त्योहार से लेकर मरनी तक का काम करता है, जिसे हम रोक नहीं सकते। प्रेस वार्ता के दौरान एसोसिएशन ने कहा, हमारे कार्य में किसी तरह की बाधा उत्पन्न होती है तो हम सभी एसोसिएशन वाले कानून का सहारा लेने के लिए बाध्य होंगे। हमारे टेंट व्यवसायी जो भी हैं, दुकानदार भाई, इन पर टेंट मिस्त्री के द्वारा हमेशा से ब्लैकमेलिंग, शोषण किया जाता था, जिस पर कहीं ना कहीं दुकानदारों को प्रत्येक वर्ष हर सीजन में ग्राहकों को काम सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। कहीं कहीं पर ये मिस्त्री ग्रुप के कुछ लड़के नशे का सेवन करके साइड पर जाते थे, कभी कभार कस्टमर के साथ में वो दुर्व्यवहार भी करते थे, तो उसी को लेकर के एसोसिएशन ने ये कदम उठाया, न कि लेबर के द्वारा या मिस्त्री के द्वारा ये मांग आया था। सर्वप्रथम ये 9 सितंबर को पहला मीटिंग हम लोग इसी स्थान पर, हम लोग प्रांगण में किए थे मिस्त्री संघ को लेकर के, उसमें हम लोगों ने एक रेट तय किया कि पिछला रेट 1.5 रुपये का चल रहा था, उसे 1.70 रुपये किया गया। इसी प्रकार से और भी कामों में बढ़ोतरी करते हुए रेट लिस्ट तैयार करके उन लोगों को सौंपा गया है। वो लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि कम रेट दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है, सरासर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। उनके तरफ से एक बात आया गया कि कहीं से बाहर के मजदूर नहीं काम करने जा रहे, जब तक हम लोग को मांग पूरी नहीं होती, आप लोग कैसे क्या काम करेंगे? बात है कि हमारे भारत वर्ष में बोलने का अधिकार सबको है, स्वतंत्र भारत है, वो अपने बयान को किस लहजे से देते हैं वो हम नहीं देखेंगे। हमारा कार्य एक आवश्यक कार्य की श्रेणी में आता है, जो सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है हमारे कार्य को, जो किसी भी हाल में हम लोग काम को रोक नहीं पाते हैं। हम लोग शादी, छठियारी, महोत्सव, पूजा, त्यौहार, किसी भी तरह का काम होता है, मरनी तक का काम हम लोग करते हैं। तो अगर कोई बता दे कि हम लोग ये काम नहीं करने देंगे, क्योंकि मरनी का काम अक्सर 10 दिनों के अंदर करना होता है, तो वैसे में अगर उन लोगों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा काम कभी नहीं चलने वाला है। और यह कहीं बड़ा कंपनी नहीं है, हमारे साथ कोई जीवन भर का करार नहीं है कि हम उनको नियोजन दिए हैं, एकमात्र वो ठेका पर काम करने वाले हैं, उनको ठेका स्क्वायर फीट में दिया जाता है जो फिक्स किया जाता है, और उनको आजीवन हम लोग काम देंगे, ऐसा कोई करार हमारे पास नहीं है। रही बात बाहर के मिस्त्री ला करके करवाने की, तो हम डेकोरेटर बंधु जो है स्वतंत्र हैं, हम हमारा व्यवसाय कैसे चलाना है नहीं चलाना है उसका तरीका अपने से पहले से सोचे हुए हैं। बहुत से डेकोरेटर बंधु बाहर के मिस्त्री से ऑलरेडी पहले से भी काम करवा रहे हैं,
उसी प्रकार हम लोग भी ला करके काम को करवाएंगे।